हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इसमें मुझे कुछ बात करनी है बीपीएससी रिजल्ट के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हैं, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं भी 62 मार्क्स पाई थी, लेकिन उसके बाद भी जो सिलेक्टेड वाली लिस्ट आई है, जो क्योंकि उन्होंने मार्क्स तो दिए नहीं है कि पता चले कि फाइनल कट ऑफ कितना गया है। तो पहले फाइनल कट ऑफ ये पता चल रहा था कि जनरल का 68 गया है, बाकी वहां के जो बिहार की गर्ल्स है उनका 58 गया है। तो मैं ये सोच के बैठ गई थी कि जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि कट ऑफ ज्यादा चली गई है। लेकिन दो दिन तक मैं बिल्कुल भी कोई काम नहीं की हूँ, ना तो अपनी स्टडी की हूँ और ना ही, क्योंकि स्टडी भी इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी, मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गई थी कि मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई किया था, उसके बाद ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कट ऑफ से नीचे रह जाऊं। तो ये एक्सेप्टेंस अपने माइंड में नहीं आ रहा था, जिसको लेके मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, ना वीडियो बना रही थी ना पढ़ रही थी। लेकिन अचानक से कुछ चीजें स्क्रॉल करते करते मुझे मिली और एक दो एस्पिरेंट की वीडियो भी मुझे मिली जिनके 72 मार्क्स भी हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तब जाके ये कहीं ना कहीं मुझे शॉक लगा कि कुछ तो मिस्टेक इसमें हुआ है। और मैंने भी इस चीज को ट्राई किया कि मुझे भी कुछ साक्ष्य मिले, मैं भी समझ पाऊं कि नहीं, बीपीएससी ने कुछ गड़बड़ी किया है। तो ऐसे मुझे मतलब कॉल के थ्रू भी पता चला, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका 62 मार्क्स 60 पे भी सिलेक्शन हुआ है यूपी से, तो अदर स्टेट वालों की भी मेरिट बहुत कम गई है। और 72 वाला सिलेक्ट नहीं हुआ और 60 वाला सिलेक्ट हो गया, तो आप उसको क्या कहेंगे? तो ये बात समझ नहीं आ रही, ना तो ये डाइजेस्ट हो रही है कि ये किस तरीके से रिजल्ट बनाया है बीपीएससी ने। साथ ही साथ एक न्यूज और आ रही थी कि बीएड वालों का भी रिजल्ट आया है, सारे बीएड वालों का नहीं लेकिन कुछ बीएड वालों का रिजल्ट आया है। इस बात को मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि किसी की मिस्टेक हो या कुछ ऐसी गलत फहमियां क्रिएट की जा रही हो, लेकिन साक्षी के तौर पे मैं बात कर रही हूँ कि हाँ, बीएड वालों का भी रिजल्ट आया है। मैं स्क्रीन पे ये लगा रही हूँ, एक फादर है जिन्होंने फेसबुक पे ये कमेंट पोस्ट डाला है, उन्होंने बोला है कि मेरी बेटी बीएड है, उसका रिजल्ट आया था, लेकिन जब हम वहां गए तो वहां के अधिकारियों द्वारा ये बताया गया कि ये बाय मिस्टेक आ गया रिजल्ट। तो बीपीएससी से क्या ये उम्मीद की जा सकती है? उनका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था है जो लाखों बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करती है, क्या उससे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो इतनी बड़ी गलती कर सकती है? क्योंकि अगर आपने रोल नंबर गलत भर दिया, आपका ओएमआर सीट चेक नहीं होगा, आपने कुछ फर्जी दस्तावेज लगा दिए, आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो जब आप एक एस्पिरेंट के तौर पर आपकी मिस्टेक बीपीएससी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, उसके लिए कुछ रूल्स है, तो बीपीएससी की इतनी बड़ी मिस्टेक, अब वो मानते हैं चलो एक बच्चे की गलती से आ गया रोल नंबर, गलती से आपने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन उस एक बच्चे की सीट आप खा गए जो डीएलएड एस्पिरेंट है, इसके लिए आप आगे क्या कर सकते हो? क्योंकि आपने तो ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि बीपीएससी की मिस्टेक है, जो कि एक राज्य की सबसे उच्चतर संस्था है जो एक एसडीएम जैसे पोस्ट के लिए सेलेक्ट करती है कैंडिडेट, और उससे ये गलतियां मतलब कैसे हो सकती है भाई? आप किसी का करियर डिसाइड कर रहे हो बैठ के। पहले तक मुझे बस इस बात का दुख था कि मैं कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाई, लेकिन अभी जो शॉक लगा है ना मुझे, क्योंकि जब हमसे कम नंबर पाने वाले बच्चे सेलेक्ट होके गए हैं वहां पे अपना डीवी कराने ना, तो वो चीजें बहुत ज्यादा फील हो रही है कि मतलब किस लेवल पे जाके धांधली हुई है और आपको किस बात की जल्दी थी भाई? बीपीएससी की मिस्टेक नहीं समझ में आता है, क्योंकि इतना बड़ा आयोग है, आप थोड़ा सा और टाइम ले लेते ना, आपको फिल्टर करने के लिए टाइम चाहिए भाई, इतना बड़ा एग्जाम था, इतनी बड़ी संख्या में बच्चे अपीयर हुए थे एग्जाम में, थोड़ा सा आप और टाइम ले लेते, लेकिन कम से कम रिजल्ट तो सही देते। मैंने अपना जो भी था बुकलेट ना, लकली मैं यहां थी, मैं गांव नहीं गई थी, गांव चली गई होती तो शायद मैं कुछ अदर एग्जाम्स की तरह अपना ऑफिशियल आंसर किसी नहीं मिला पाती, लेकिन लकली मैं इस बार पेपर देने के बाद तब से कंटिन्यू यही हूँ, और यहाँ जब मैं रहती हूँ तो मैं अपने स्टडी हो या कोई आंसर मैंने पेपर दिया है उसका आंसर किया है, कुछ भी ए टू जेड पॉइंट पॉइंट चीजों से अपडेटेड रहती हूँ, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैं किसी चीज को मिस करती हूँ। और एक चीज मैंने पहले भी वीडियोज में आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैं चाहे किसी भी आयोग का एग्जाम दी हूँ,
जब मेरे आंसर की आते हैं तो जितना मैं पहले यूट्यूब किसी चैनल से मिलाई रहती हूँ, जितने मेरे मार्क्स होते हैं उससे एक दो नंबर बढ़ते हैं, घटते नहीं है। तो इस बार ना बढ़े ना घटे, मेरे 62 के 62 मार्क्स थे। वो इसलिए होता है कि कभी भी डाउट वाले क्वेश्चन को मैं काउंट नहीं करती हूँ। जिस क्वेश्चन में अगर किसी कोचिंग वाले ने कह दिया कि इसमें ऑप्शन ए भी हो सकता है ऑप्शन बी भी हो सकता है, उसको मैं कैंसिल करके तब काउंट करती हूँ, ताकि मेरे दिमाग में क्लियरिटी रहे कि मेरे नंबर अब घटेंगे नहीं। और वो चीज मेरे साथ होती है, चाहे मैंने सीटेट का पेपर दिया हो, टेट का पेपर दिया हो, सुपर टेट का पेपर दिया हो, या किसी भी एग्जाम का पेपर दिया हो। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि चलो 62 मार्क्स है, तो जिस हिसाब से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मेरे इतने मार्क्स है, मेरे इतने मार्क्स है, तो ये हो रहा था कि चलो सीट बहुत बड़ी संख्या में है तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो मिल ही जाएगा। खैर ठीक है, इस बात का हमें दुख नहीं होता कि हम कटाप से नीचे होता तो वो मेरी गलती होती कि मैं उस लेवल पे जाके मेहनत नहीं कर पाई, कि मैं बेसिक कटाप को क्लियर नहीं कर पाई। अगर मेरा 62 है, अगर फाइनल कटाप 63 भी गया होता ना, तब भी मेरी गलती होती। लेकिन मैं 62 हूं और 60 नंबर पाने वाला बच्चा सिलेक्ट हो गया है, तो इसमें मेरी गलती है या फिर आयोग की गलती है? और ये भी नहीं है कि मैं बीएड एस्पिरेंट हूं। बहुत लोगों ने कमेंट करा कि मैम आप बीएड एस्पिरेंट हो या डीएलएड हो, तो मैं आपको आज क्लियर कर दूं कि ना ही मैं बीएड एस्पिरेंट हूं, ना ही मैं बीटीसी एस्पिरेंट हूं, मैं डीएड एस्पिरेंट हूं। डीएड यानी कि उसकी समकक्षता बीटीसी के तहत आती है। ये स्पेशल एजुकेशन से एक कोर्स होता है, इसमें चार फील्ड होते हैं, एचआई, वीआई, ओएमआर और ओएच। तो मैं एचआई से हूं, यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट, उस डिपार्टमेंट से मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है, और वो आपके डीएलएड के तहत आता है, वो एक स्पेशल एजुकेशन के तहत डिप्लोमा होता है। तो मुझे नहीं समझ आया, मैंने वापस से जब मेरा रिजल्ट आया और आप लोगों ने कमेंट किया कि मैम आप डीएलएड हो या फिर बीएड एस्पिरेंट हो, तो मैं वापस से जाके अपना फॉर्म रीचेक किया, क्योंकि जो मैंने फॉर्म भरा था, मुझे लगा कि हो सकता है कि उस टाइम पे बाय मिस्टेक बीएड पड़ गया हो डीएड की जगह, क्योंकि डीएड बहुत लोगों को पता नहीं होता है और डीएड कहने पे ज्यादातर लोग बीएड समझते हैं। तो मुझे भी लगा कि हो सकता है कि कैफे वाले भैया ने गलती से बीएड भर दिया हो। तो मैंने वहां पे जाके रीचेक किया अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म था, उसमें डीएड भरा हुआ था, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो जब हम लोग किसी भी फॉर्म को भरते टाइम मिस्टेक नहीं करते, तो बीपीएससी इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकती है? मैंने टोटल अपना, उसके बाद भी मैंने जो आंसर की सेव करके रखा है, उससे बाद में भी मैंने मिलाया अपना बुकलेट, क्योंकि ये चीजें डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि 62 मार्क्स पा के भी मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हुई। पहले एक दिन तक ये था कि मैं कटऑफ से नीचे थी, लेकिन जैसे मुझे न्यूज आने लगे कि इतने पे सिलेक्शन हुआ है, इतने पे सिलेक्शन हुआ है, तो मैंने भी चीजों को एनालाइज करना शुरू किया, और उसमें यही पता चला कि भाई बहुत बड़े लेवल पे फ्रॉड हुआ है और उसके शिकार हम लोग हुए हैं। मुझे समझ नहीं आता। अब ये होता है ना, जब आपका रिजल्ट नहीं बनता है, आप किसी से कहोगे ना, तो इस बात को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन वो बच्चे बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझेंगे जो का शिकार हुए हैं, जिन्होंने इसको फेस किया है, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे, उसके बाद मैंने वापस से कल शाम को बीपीएससी का रिजल्ट रीचेक किया, और उसमें एक क्लास से मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उसमें आपका 21, 23, 25, 26, 27 ऐसे करके कंटिन्यूटी है एकदम आपके रिजल्ट में। तो मतलब कैसे कंटिन्यू कैसे बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं, आप एक बार सोचो जरा। आज तक किसी एग्जाम में आपको ऐसा रिजल्ट देखने को मिला है कि लगातार बच्चों का सिलेक्शन हुआ हो रोल नंबर के थ्रू, लगातार रोल नंबर आपके रिजल्ट में हो? वो भी 2-4 होता तो कहते कि एक ये हो सकता है, लेकिन 10, 12, 15, 20 ऐसे लगातार रोल नंबर होना, आपको क्या लगता है कि ये सही रिजल्ट आया है? तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कोई छोटा मोटा आयोग होता तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, इन्होंने जो भी मिस्टेक किया हो, इतने बड़े आयोग हो के, मतलब इनको किस बात की जल्दबाजी थी? मेरे नॉलेज में खुद ऐसे बच्चे हैं जिनका हमसे कम मार्क्स है और उनका सिलेक्शन हुआ है। वक्त भी इतने दीजिए, आपको भी पता चलेगा कि 60 नहीं, 60 से नीचे वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है।
अब वो अलग की बात है कि कुछ बच्चे नौकरी पा गए, अब लोग सावधान हो जाएंगे, अब नहीं बताएंगे, लेकिन जिस लेवल पे बीपीएससी ने स्कैम किया है ना, वो चीजें नहीं समझ आ रही हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतने बड़े आयोग से। ये था कि चलो इतना बड़ा आयोग एग्जाम ले रहा है तो ये सब चीजें तो नहीं होंगी। अगर पहले पेपर आउट नहीं हुआ, एग्जाम अच्छे से हो गया, मतलब रिजल्ट भी अच्छे से आएगा। किसी के मन में दूर दूर तक ये ख्यालात नहीं थे कि कुछ ऐसा होगा। और अधिकारियों का सिंपल एक वर्ड में कह देना कि ये बीपीएससी की मिस्टेक है, मतलब आप इतना बड़ा मिस्टेक कैसे कर सकते हो। तो ये एक छोटी सी वीडियो मुझे शेयर करनी थी। अगर आप लोगों के साथ भी ये चीजें हुई हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट का हुआ है, हमारे जानकारी में खुद ऐसे लोग हैं जिनका हमसे कम नंबर है और उनका सिलेक्शन हुआ है। तो अगर आप लोगों की जानकारी में भी ऐसी चीजें होंगी तो आप लोग कमेंट जरूर करना, क्योंकि इस स्कैम के बहुत सारे बच्चे शिकार हुए हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, लेकिन बीपीएससी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बीपीएससी को पता नहीं किस बात की जल्दी मची है कि उनको सब कुछ इतना फास्ट करना है। आप फास्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी है, बहुत ये मतलब इतने पिछले दस सालों के बीच में ये पहला ऐसा रिजल्ट है जो इतना फास्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन इतना बड़ा स्कैम भी पहली बार देखने को मिल रहा है। ये होता है पेपर आउट हो जाता है वो समझ में आता था, नकल वगैरह होता था वो समझ में आता था, कि वो चीजें पहले से सेटअप रहती थी, पहले से वो चीजें लोग अपना जो भी कर पाते थे कर लेते थे, लेकिन कम से कम फाइनली रिजल्ट आता था तो ये चीजें नहीं होती थी। हम लोगों के यहाँ सुपर टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी लास्ट में अपना कट ऑफ पता चला था कि नहीं कितना कट ऑफ गया है, किसके कितने मार्क्स रहे हैं, उसमें भी धांधली हुई थी, उसमें भी लोगों के 142 नंबर थे। तो वो चीजें थी, 150 में से 142 लाना पॉसिबल नहीं है, वो भी ऐसे बच्चे जिनको अपने देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है, तो धांधली उसमें भी हुई थी, लेकिन कम से कम रिजल्ट का इतना बड़ा हेर फेर नहीं हुआ था। जो हुआ था वो पहले हो गया था। तो जो पहले हो जाता है वो समझ में आता है कि पेपर आउट हुआ, कुछ चीजें हुई, चलो वो भी आयोग के अधिकारियों का ही मिस्टेक होता है जिनकी वजह से चीजें होती हैं। कॉलेज जहां पे सेंटर जाता है वहां के लोगों का मिस्टेक होता है जिसकी वजह से चीजें बिकती हैं, पेपर बिकता है, खरीदने वाले खरीदते हैं। भाई बहुत दुनिया में बहुत तरीके के लोग पड़े हुए हैं, लेकिन कम से कम बीपीएससी से इतनी बड़ी मिस्टेक की उम्मीद तो नहीं थी कि इतनी बड़ी गलतियां बीपीएससी कर सकता है। तो अगर आप लोगों के साथ भी हुआ है तो प्लीज 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 मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि ये चीजें यार हम लोगों की मेहनत, मतलब क्या है मेहनत, इतना करो आप और लास्ट में बीपीएससी की एक मिस्टेक आप बाहर, तो आपके मेहनत करने का क्या, आपके फ्यूचर का क्या। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। जो भी होगा, जो भी एक्सपीरियंस आप लोगों ने किया होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना अपने स्टडी रूटीन के साथ, क्योंकि अभी तक मैं एक ऐसे फेज में थी जहां से मुझे लगता था कि यार मैं फेल हुई हूं, मेरे से चीजें नहीं हो पाई हैं, लेकिन कम से कम ये क्लैरिटी मुझे मिल गई कि मेरी कोई मिस्टेक नहीं है। जो भी मिस्टेक हुआ है, जो भी स्कैम हुआ है, वो आयोग की तरफ से हुआ है, तो हम उसके लिए अपना नुकसान क्यों करें। आयोग को जो करना है वो कर रहा है, तो हम भी अपनी पढ़ाई करें ताकि आने वाले एग्जाम्स में हम अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। हो सकता है किस्मत हर जगह नहीं दाव देती है, कहीं ना कहीं को हमारा साथ देगी, तो उम्मीद करती हूँ कि हमारे साथ भी कुछ अच्छा होगा। और इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।